हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इतना रेडी होके क्यों आई हूँ, आज की वीडियो क्या होने वाली है। तो बताऊंगी मैं आपको कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। उससे पहले जो लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो क्या है। आज की वीडियो है मांग टीका हैक। देखिए, हम शादी में जाते हैं, शादी का सीजन चल ही रहा है, शादियों में जाते हैं और हम बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं, सबसे बेस्ट सबसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं और हम दिखते भी हैं बहुत अच्छे से, रेडी होते सब होते हैं। पर पता है क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये आती है, हम तैयार होके आ गए और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, कभी ये ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ये घूम जाता है। और कोई कोई फोटो में आपका नोटिस करिएगा, जरूरी है कि आपकी मांग टीका कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो वो एक जगह सही नहीं रहती है, तो कई कई फोटोज हमारी खराब हो जाती है। मेरे साथ ये खुद हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये, कि ये प्रॉब्लम शादी में आती ही आती है। हम कितने भी अच्छे से तैयार हो जाए, कितने भी सुंदर दिखे, बट कहीं ना कहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि मांग टीका हमारा सेट नहीं रह पाता है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो इसी के ऊपर बना रही हूँ कि मांग टीका हम अपने कैसे सेट रख सकते हैं और क्या क्या चीजें लगेंगी और कैसे हम फ्री होके शादी एंजॉय कर सकते हैं बिना इसके टेंशन के कि हमारा मांग टीका हिल तो नहीं गया है, पलट तो नहीं गया है, सही है कि नहीं। क्योंकि हमारा ज्यादातर ना शादियों में हाथ हमारा बस ऐसे रहता है, ये यही सही करते रहो, बस यही प्रॉब्लम होती है शादियों में। जब भी हम जाते हैं, किसी की भी शादी होती है, अपने घर में शादी होती है या हमारी खुद की होती है, तो मतलब हमारी खुद की तो नहीं, वो तो पार्लर वाली सेट कर देती हैं, बट हाँ हम किसी की शादी में जाते हैं, बहुत खास की शादी में जाते हैं और मांग टीके पे हमारा हाथ जरूर जाता है कि कहीं वो तिरछा तो नहीं है, हिला तो नहीं है, या बस ऐसे सही करते रहो। मेरे साथ खुद हो चुका है, इसलिए मैं आप लोग के साथ ही शेयर करने जा रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो हाँ, अब मैं जान चुकी हूँ मांग टीका है क्या है, कैसे हम अपने मांग टीका को सेट रख सकते हैं और शादी में फ्री होके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मांग टीका है क्या है, क्या क्या चीजें लगेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले चीज है ये टू साइड टेप है, ये बहुत हेल्प करता है हमारा मांग टीका सेट रखने में। हर किसी के घर में होता है, क्योंकि ये बर्थडे में या कोई भी फंक्शन होता है ये लगता ही है, तो ये आता तो बैलून चिपकाने के लिए, बट ये हाँ मांग टीका भी हम इससे आराम से सेट कर सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस जरा सा इसको लेना है, दिखाती हूँ, बहुत जरा सा लेना है, इसको कट कर लेंगे हम। और यहाँ पर ये लगा लेंगे हम, छोटा सा ही लीजिएगा, शायद मुझसे बड़ा कट गया है। ये हम ऊपर की जो ये कागज है इसको रिमूव कर लेंगे, ये देखिए, अब बस अपना मांग टीका इसमें सेट कर लेंगे। थोड़ी देर प्रेस कर लीजिए ताकि अच्छे से ये चिपक जाए, अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए मैं कितना भी हिला रही हूँ, नहीं हिल रहा, मेरा मांग टीका सेट हो चुका है पूरा। अब आप फ्री होके शादी में एंजॉय कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा मांग टीका बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है, पलट रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहला हैक ये है आपका, बस ये टेप जनरली सबके घर में, आपको आपके घर में भी होगा, नहीं है तो लाके रख लीजिए, बहुत हेल्प आती है, हर किसी काम आती है। बैलून तो चिपकता ही है, बट हाँ ये सब में भी जरूरत होती है, तो घर में लाके रख लीजिए और शादी में जब भी जाना हो तो मांग टीका के लिए बेस्ट है ये। इससे आपको पता है कुछ भी टेंशन, मतलब ये भी नहीं होगा कि हाँ मेरे सर पे कुछ लगा है, आप फ्री होके शादी एंजॉय कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये सबके घर में होता है, नहीं है तो लाके रख लीजिए, बहुत काम की चीज है ये, टू साइडेड टेप बहुत बहुत ही काम की चीज है। तो पहला तो ये हैक हो गया है, अब देखते हैं सेकंड चीज क्या है। इसको देखिए रिमूव भी बहुत आसानी से हो जा रहा है, ये देखिए यहाँ लगा है, इसको रिमूव भी बहुत आसानी से हो गया, ना कोई दाग आया ना कुछ। तो ये आपका पहला हैक हो गया है। अब सेकंड हैक क्या है, तो सेकंड ये आई लैशेस का जो चिपकाने वाला ग्लू होता है ये है, आप इसको भी लगा के
अपना मांग टीका जो है सेट कर सकते हो, तब भी नहीं हिलेगा। तो बस आपको करना क्या है, जरा सा इसको लगाना है, या तो मांग टीके में लगा लो या तो यहाँ लगा लो, और हल्का सा लगाना है इसको। अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि थोड़ी देर पकड़े रहिएगा, अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, चिपक जाए। ये ट्रांसपेरेंट भी आता है, मेरे पास ये ब्लैक कलर का था तो मैं आपको बस बताने के लिए वो कर रही हूँ। ये ट्रांसपेरेंट भी आता है आईलैशेस का, आपके पास होगा जो लोग लगाते हैं, मैं तो नहीं यूज़ करती, बस मैंने शौक में ले लिया था। और एक बार मैं तैयार होने गई थी पार्लर में, मेरी कजन की इंगेजमेंट थी, तो वहां मैंने उसे बोला मुझे आईलैशेस लगाना है, पर उसने कहा कि आपकी लैशेस इतनी खूब सुंदर सुंदर क्या मतलब अच्छी है, आपको जरूरत ही नहीं, अगर आप लगा लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मेरे पास ये बस पड़ा हुआ है, मेरा कोई यूज ही नहीं आया, उसके पास से मैंने लगाया भी नहीं। ये देखिए अब मेरा मांग टीका सेट हो गया है, अब मैं हिलाऊं, मेरा नहीं हिल रहा। तो ये सेकंड हैक था मेरा, आप इन दो चीजों से अपना मांग टीका सेट कर सकते हो। एक तीसरी चीज और आती है, फेवी कोल आता है, फेवी क्विक या फेवी कोल, वो मैं आपको वीडियो में शो कर दूंगी, वो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन उससे भी आप अगर लगा लो तो उससे भी सेट रहता है, बहुत अच्छे से रिमूव भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस थोड़ा सा वाइट वाइट, जैसे फेविकोल चिपकने के बाद वाइट वाइट रहता है ना, तो वो भी वैसे ही हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है और रिमूव भी आसानी से हो जाता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती आपको, ना जलन होगा या कुछ भी दर्द पेन कुछ नहीं होगा। तो ये दो चीजें हैं जो आप अपने मांग टीका को सेट रख सकते हो, अच्छे से पार्टी इंजॉय कर सकते हो, शादी इंजॉय कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो गाइज आपको मेरी ये हैक कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।